हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर जीके से संबंधित, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो आपको बता देना है, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। किस प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो आपको बता देना है, ये एरर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो आपको बता देना है, मॉडेम। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंक्रिय कंप्यूटर कौन है? तो आपको बता देना है, एनिक। निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यू 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 का सही रूप है? तो आपको बता देना है, वर्ल्ड वाइड वेब। सीपीयू का क्या अर्थ होता है? तो आपको बता देना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? तो आपको बता देना है, माइक्रो प्रोसेसर। डब्ल्यू 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 के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? तो आपको बता देना है, टिम बर्नर्स-ली। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो आपको बता देना है, प्रकाश भंडारण, साइबर स्पेस अपलोड मॉडेम। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली है, प्रकाश भंडारण नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक्रिय कंप्यूटर में क्या था? तो आपको बता देना है, वाल्व। अनुपम क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर। ठीक है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो आपको बता देना है, सीडीएक। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपको बता देना है, वाइट। कई बार पूछा जा चुका है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई वाइट। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो आपको बता देना है, अनुपम। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। ठीक, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो आपको बता देना है, कंप्यूटर से संबंधित। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है बिट प्रति सेकंड। इन टेक्सन टेक्सन्स के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो याद रखिए, टीसीएस। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो एक क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम। निम्नलिखित में से कौन निर्गमन गम उपकरण नहीं है? तो आपको याद रखना है, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। इंकजेट मुद्रक है, प्लॉटर है, स्पीकर है, लेकिन प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता नहीं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो आपको बता देना है, फोर्टून। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं? तो आपको बता देना है, सिलिकॉन के। निम्नलिखित में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? गैस प्लाज्मा, फॉस्फर प्रपट, छाया अक्षर, इलेक्ट्रॉन गन। सीआरटी का हिस्सा है, गैस प्लाज्मा नहीं है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो आपको बता देना है, अर्धचालक लेजर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया? तो याद रखिए, चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से, समाकलित परिपथ चिप से, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्ड कवेक्षाकार संचय क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो याद रखना है, बग। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो विचालन तंत्र। कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है।
अगला क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। आगे है, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है तो याद रखना है सेमीकंडक्टर से। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है तो याद रखिए माउस। पद एमबी प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है यादृच्छिक अभिगम स्मृति से। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया तो आपको याद रखना है इनमें से कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन। इसमें दिया गया है डॉक्टर अलाम एम टूरिंग। ठीक है, अगला, कंप्यूटर की भाषा को 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं तो आपको बता देना 10,48,576। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है 64 बिट तक। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है हार्डवेयर। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है तो आपको बताना है पेंटर का। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है तो पहले भी देख चुके सीपीयू। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है तो आपको बताना है सीपीयू। कंप्यूटर पेंटर किस प्रकार का डिवाइस है आउटपुट। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं रोम। क्या कहते हैं रोम, बी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है देख चुके हैं सिलिकॉन से। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है जावा। लोकल एरिया नेटवर्क निम्न में से किस मत का उपयोग नहीं किया जाता है तो याद रखिए मॉडेम का। कंप्यूटर का किया जाता है इंटरफेस का कार्ड का केबल का। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधीय यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है तो याद रखिए कंप्यूटर पोर्ट्स। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सा डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है तो याद रखिए फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है मॉडम। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है उपयुक्त सभी हैं प्रोटोकॉल आर्ची लॉगिन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है साइंस डायरेक्ट सी ऑप्शन है। गूगल है अल्टा विस्टा है और कुट है। संचार नेटवर्क जिसका उपयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वैन बी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटिंग करता है प्रोसेसिंग करता है कंट्रोलिंग करता है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर उदाहरण नहीं है हार्डवेयर का तो ऑपरेटिंग सिस्टम। माउस है पेंटर है मॉनिटर है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है प्रिंटर। ब्राउजर है लिंक है और सर्च इंजन है पेंटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है कीबोर्ड। फ्लैश ड्राइव है डीवीडी है हार्ड डिस्क है कीबोर्ड नहीं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है याद रखिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एक नेबल कितने बिटों के बराबर होता है 4। एक नेबल कितने बिटों के बराबर होता है 4। निम्न में से सबसे तेज सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है सुपर कंप्यूटर। पहले से ऑन कंप्यूटर को री स्टार्ट करने को क्या कहते हैं वार्म बटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है कंट्रोल यूनिट एक्सेल ऑपरेटिंग सिस्टम पेंटर ड्राइवर।
ये सभी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं? पावर पॉइंट सेंडर है, रिसीवर है, इनबॉक्स है, पावर पॉइंट नहीं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का निम्न में से कौन सा है? डाउनलोडिंग। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण होती हैं? डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है? सीपीयू। 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB, सारे कंप्यूटर पर लागू होता है। मशीनी भाषा। 10 लाख बाइट्स लगभग होते हैं 1 MB, मेगाबाइट्स। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है पुणे में। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है सॉफ्टवेयर का। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय प्रिंटर के? हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है और सीडी ड्राइव है। ये समस्त संग्रहण मेमोरी के उदाहरण है, प्रिंटर नहीं है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का। सीडी का आकार कैसा होता है? याद रखिए गोल। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है प्रोग्राम। DTP का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डॉस का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। JDBC का इसका सूचक है सी जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। लैन किसका लघुत्तम रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क का। कंप्यूटर संक्षिप्तता 6 KB का सामान्यतः पूर्ण रूप है किलोबाइट। ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा प्रोग्राम। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? जीरोक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई 1972 में। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई 1972 में। बिलॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है वेब लॉग। कंप्यूटर का वह भाग जिसे छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर कहते हैं। निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर का पिता माह कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबोल। फोर्टोन एल्गोर पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा का को न्यू का पत्थर कहा जाता है? तो बेसिक। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटर लिखित आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई थी? नई दिल्ली में। कौन सा सुपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ये सभी पेज मेकर वर्ड स्टार MS वर्ड। चलिए तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित।